हाँ, एनआरसी अगर आता है फिर से तो हम फिर अपोज करेंगे, उसके लिए हम फिर तैयार है। बिल्कुल फिर विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे, एनआरसी के लिए बिल्कुल करेंगे। इतना ठंड में सब धरना दिया बेचारे, कोई फायदा हुआ नहीं, जो आने का जो हो रहा था वही आता ही है, क्या कर सकते हैं। जब तक ये रहेगा मोदी सरकार तब तक ऐसा सा चीज आएगा ना जो सोच नहीं सकते, समझ गए। कहाँ से लेके आए कि किसी के दाद परदादा की जमीन है जा जाते, किसी की नहीं है, कोई मजदूर आदमी है तो वो कहाँ से लेके आएगा दादा परदादा के डॉक्यूमेंट्स। गैर मुस्लिम को क्यों, मुस्लिम को क्यों नहीं, सवाल तो ये भी बनता है कि अगर आप हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को भी तो देना चाहिए ना, या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, वो भी तो इस देश का नागरिक है। केंद्र सरकार ने CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। जारी करने के बाद अब ये देश भर में लागू कर दिया गया है। हालांकि 2019 में जब ये पास हुआ था तो देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जमकर हंगामा किया गया था, जिसमें से एक जगह शाहीन बाग भी थी। शाहीन बाग में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आखिर शाहीन बाग के लोग क्या सोचते हैं जब अब CAA को लागू कर दिया गया है, यहाँ पे क्या स्थिति है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं शाहीन बाग के लोगों से कि आखिर CAA लागू होने के बाद उनका नजरिया आखिर क्या। तो चलिए, CAA जो है वो देश भर में लागू कर दिया गया है। जब बिल पास किया गया था 2019 के बाद तब इस पर बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया था शाहीन बाग में, महिलाओं ने भी जमकर इसका विरोध किया था, तो आपका क्या नजरिया, आप किस तरीके से इसको देखती हैं? कोई फायदा हुआ ही नहीं, इतना क्या धरना आई गया तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ? इतना ठंड में सब धरना दिया बेचारे, कोई फायदा हुआ ही नहीं, जो आने का जो हो रहा था वही आता ही है, क्या कर सकते हैं। जब तक ये रहेगा मोदी सरकार तब तक ऐसा सा चीज आएगा ना जो सोच नहीं सकते, समझ गए। ये जाएगा फिर शांति आ जाएगा, शांति हो जाएगा, समझ रहे। तो मतलब ये आपका नजरिया है कि लागू नहीं होना चाहिए था, दिक्कत है इससे मुसलमानों को? अब मेरे कहने से चाहे इनका कहने से क्या होगा, लागू तो हो गया ना, तब अब नहीं भी कहेंगे तो क्या होगा, वापस हो जाएगा, नहीं होगा नहीं। सिर्फ एक एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा है और कुछ नहीं है। नागरिकता कानून पहले से भी है जी, सरकार इससे पहले कांग्रेस की थी उन्होंने भी दिया था। एनआरसी जो है वो मुसलमानों के लिए गलत है, हाँ वो एनआरसी में उसमें साफ साफ आप कोड देखो उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान को यहाँ का वोटर आईडी नहीं मिलेगा या यहाँ का रेसिडेंस नहीं मिलेगा उसे बाहर करके जो है डाल दिया जाएगा, चाहे वो डेस्टिनेशन कैंप हो गया चाहे जैसे भी, उनको लेने के लिए फिर वहाँ पे आपको परेशानी होगी। एनआरसी जो है मुसलमानों के लिए खिलाफ है, CAA से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना पड़ेगा। CAA जो है वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, यहाँ देश में और पॉपुलेशन बढ़ाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान से हिंदू लेके चले हैं, अफगानिस्तान से लेके चले हैं, उससे मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना पड़ा है ना पड़ेगा। हाँ, एनआरसी अगर आता है फिर से तो हम फिर अपोज करेंगे, उसके लिए हम फिर तैयार हैं। बिल्कुल फिर विरोध प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे, एनआरसी के लिए बिल्कुल करेंगे। एनआरसी में ये कोट हटा दें कि मुसलमानों को नहीं निकाला जाएगा अगर मुसलमानों के पास नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दस्तावेज खत्म हो चुका है, जो अपनी ज़मीन बेच के आ गए हैं गांव से दिल्ली के अंदर, तो उनको मिलेगा ही नहीं ऑब्वियसली। और आपने देखा ही होगा जो गुवाहाटी वगैरह में जो कितना प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 16 लाख हिंदुओं के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाहर से जो लोग होंगे जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए, इसे यहाँ के मुसलमानों को क्या दिक्कत हो रही है, मैं क्या परेशान कह रहा हूँ। CAA से मुसलमानों को कोई दिक्कत ही नहीं है, एनआरसी से मुसलमानों को दिक्कत है, CAA से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, CAA से कोई इशू नहीं है, आप लेके आओ CAA, कोई दिक्कत नहीं है, एनआरसी से मुसलमानों को दिक्कत है क्योंकि एनआरसी में इशू है। वहाँ पे जब मैंने पढ़ा उसमें कोर्ट से कि अगर आप यहाँ के मतलब आपके पास आईडी नहीं होती है और आप मुसलमान हैं, ठीक है, हिंदुओं के लिए कि वो बताएंगे भाई कि हाँ मजबूरी थी मेरे वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए ये हो गया, तो भी उनको लिखना पड़ेगा कि हाँ जी ये है दिक्कत है ऐसे वैसे करके फिर उनको तय कर दिया जाएगा। बाकी CAA से हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आप लेके आओ, गुड, वेरी गुड। सर अब देश भर में CAA जो है वो लागू हो गया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम तो किस नजरिए से नहीं देखते सर, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो इंडियन है। अच्छा जी सर, आप? हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जब ये बिल पास किया गया था 2019 में तब शाहीन बाग में काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो अब जब ये लागू हो गया है तो अब आपका क्या, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैम हमें तो जब भी कोई वो नहीं थी परेशानी, क्योंकि हम तो इंडियन है, हमारे सब यहीं बाप दादा परदादा सब यहीं रहते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी भी चीज़ से, नहीं कोई परेशानी।
ठीक है सर, लेकिन जब प्रदर्शन हुआ था बिल पास होने के बाद आज से लगभग 3.5-4 साल पहले, तो यहाँ के लोगों को उससे काफी दिक्कत हुई थी क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग प्रदर्शन। हाँ। दिक्कत है भी अब किसी पे नहीं है, पूरे कहाँ से लेके आए कि किसी के दाद परदादा की जमीन है जाते, किसी की नहीं है, कोई मजदूर आदमी है तो वो कहाँ से लेके आएगा दादा परदादा के जो डॉक्यूमेंट्स, बताइए आप ही बताइए कहाँ से लेके आएगा। अब हम मजदूर आदमी, हमारी तो खेती बाड़ी मकान नहीं, तो बाप दादा परदादा के टाइम से, तो हम कहाँ से लेके आएंगे कि यहाँ के हम इंडियन हैं कि हमारे दादा परदादा यहाँ के हैं, कहाँ से लेके आएंगे बताओ। मतलब आपको अभी ये लागू हो गया तो इससे थोड़ी दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं। हाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, ये जो आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी करी है उसके वो है डॉक्यूमेंट्स, वो तो आदमी दे सकता है, दादा परदादा की कहाँ से ला के देगा, ये दिक्कत है। अच्छा, CAA को लेकर आप समझते क्या है, क्या है CAA? CAA तो ये बताते कि नागरिकता तो इससे भी मिल सकती है, ये किसके लिए बने हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये काहे के लिए है, इससे नागरिकता नहीं है, है या नहीं, जवाब दो आप। अभी मैं आपसे सवाल करने आई हूँ। बस यही बात है। देखिए, हमारे साथ एक और यहाँ पे शख्स मौजूद है। सर, CAA जो है अब है वो देश भर में लागू कर दिया है, आपका नजरिया क्या है इसको लेकर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं, CAA से अच्छी बात है कि नागरिकता मिल रही है, लेकिन बस उसमें एक चीज है, अगर मुस्लिम को मिल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ा ही उसमें, लेकिन मुसलमानों के लिए वो नहीं है। नहीं। आप बताइए, मुस्लिम्स के लिए नहीं है ना? सर देखिए, जो सरकार ने किया है वो अफगानिस्तान और तीसरा कौन सा, बांग्लादेश, तीन मुल्कों के लिए दिया है इसका CAA का, कि वहाँ के जो हिंदू होंगे उनको वहाँ मिल जाएगी, जो गैर मुस्लिम होंगे उनको इंडियन में सिटीजन मिल जाएगा, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं और ना ही होनी चाहिए, अगर कोई बाहर का परेशान है वो इंडिया में रहना चाह रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी के लिए उसका कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ गैर मुस्लिम को क्यों नहीं, सवाल तो ये भी बनता है कि अगर आप हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को भी तो देना चाहिए ना, या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, वो भी तो इस देश का नागरिक है, अगर वो कहीं परेशान हो रहा है तो उसको भी तो मिलनी चाहिए, या नहीं होना चाहिए बताइए। सर, जैसे कि देश भर में लागू किया गया है, जो गवर्नमेंट ने किया है, केंद्र सरकार ने जो किया है वो देश के लिए किया है, तो सिर्फ धर्म के नाम पर ये क्यों? धर्म के नाम पे कहाँ हो रहा है बताइए आप, धर्म के नाम पे कोई मुसलमान अब कुछ मना कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, ये तो अगर कोई परेशान है उसको बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अगर मुसलमान परेशान है तो उससे भी तो मिलना चाहिए, उसको क्यों नहीं मिल रहा, बात सारी आ जाती है, धर्म के नाम पे कोई मुसलमान नहीं कर रहा है कि धर्म के नाम पे मिल रहा है उसको मिल रहा है, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में कितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने बहुत बहुत तरह के धर्म हैं, सिर्फ एक मुस्लिम को छोड़ के, तो इसमें मुसलमान किसी को कुछ कह रहा है या और जो देश के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, मुसलमान के लिए सारी परेशानी होती है और किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है, वो भी तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मरेगा और इसी मिट्टी में जाएगा, वो कहीं बाहर जाने का नहीं है, जो देश में पैदा हुआ देश में रहेगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है कि अगर दूसरों को मिल रहा तो मुसलमान को क्यों नहीं मिल रहा, सिर्फ इतनी सी बात है, हिंदू को मिल रहा बहुत अच्छी बात है और मिलना चाहिए, कोई अपने देश में परेशान है, कोई पाकिस्तान में हिंदू परेशान है या बांग्लादेश में परेशान है या किसी और देश में परेशान है, तो कोई उसको परेशानी उसको इंडिया में आना चाहिए और बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अभी नहीं, ये बहुत पहले चीज़ हो जानी चाहिए थी, कहते हैं कांग्रेस ने ला रखे हैं सारे रूल, ठीक है कांग्रेस ने ला रखे हैं, अब पास हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मुसलमान को छोड़ के सिर्फ और धर्म के लोग को, सिर्फ इतना सा सवाल है, किसी को परेशानी नहीं है, हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा देश है, इसमें कोई वो नहीं कि भाई हमारे देश में कोई ख़राबी है, बहुत बढ़िया देश है हिंदुस्तान, बहुत अच्छा देश है और हर तरह का मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप और किसी को दे रहे हो तो एक मुसलमान को भी देना चाहिए। इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था, खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलत फहमियाँ हैं,
उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। देखिए, सीएए पर हमने शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत में पता लगा कि उनके लिए जो सीएए है वो सही है। कुछ लोग इस पर विरोध करेंगे, अगर एनआरसी आता है तो उस पर वो विरोध करेंगे, लेकिन अभी सीएए को लेकर यहाँ पे ज्यादा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को सीएए के बारे में पता नहीं है, ये भी बड़ी अटपटी बात है, क्योंकि ये वही इलाका है दिल्ली का जहाँ पर जब सीएए बिल आया था 2019 के बाद, ये वही इलाका है जहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इनफैक्ट यहाँ पर महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई थी। अब जब ये देश भर में लागू हो गया है तो अब इस पर क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।